मारना है वो। और महाराज जी के अनुगत्य में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नई वस्तु श्रवण करने को मिलती है। तो आज महाराज जी ने मेरे को आदेश दिया है कि कुछ ना कुछ बोलने का। तो अभी कुछ समय पहले एक चीज श्रवण करी कि दशम स्कंद से कि आचार्य जन बताते हैं कि जो ब्रज है वो ब्रज क्या है, वो ब्रज विशुद्ध सत्व है। और जो असुर वगैरह हैं वो लोग तो विशुद्ध सत्व नहीं है, तो फिर उनका ब्रज में प्रवेश कैसे हो जाता है? तो उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण से दिखाते हुए बताया कि ब्रज में जो असुर आते हैं वो कभी अपनी इच्छा से नहीं आते, कृष्ण उनको बुलाते हैं, अपनी इच्छा अनुसार उनको बुलाते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार उनको ब्रज में क्या करते हैं, उनको ब्रज में आने का आदेश देते हैं। बताते हैं कि ब्रज में सबसे पहले पूतना ही क्यों आई। आचार्य जन बता रहे हैं कि ब्रज में सबसे पहले पूतना ही क्यों आई, अगासुर या बकासुर क्यों नहीं आया, तृणाव्रत क्यों नहीं आया, शक्टासुर क्यों नहीं आया, सबसे पहले पूतना ही क्यों आई। तो बताते हैं कि जब लाला ने जन्म लिया ब्रज में, तो माता यशोदा और नंदबा के एक बड़े ही लंबे दीर्घ काल के बाद क्या हुआ, संतान की उत्पत्ति हुई। जब लाला के यहाँ एक मैया के यहाँ जब एक छोटा सा लाला हुआ, तो जब किसी भी माता के यहाँ किसी भी छोटे से बच्चे का जन्म होता है, तो जो माँ होती है उसके सबसे पहली चिंता यही होती है कि ये भाई, ये लाला, ये जो बच्चा है, कि ये दूध पी पा रहा है या नहीं पी पा रहा है। तो ब्रज में जब पूतना आई, तो कृष्ण के लिए सबसे बड़ा जो विचारणीय विषय था वो ये नहीं था कि ब्रज में पूतना आई है, उसका वध कैसे करना है। उनके लिए सबसे ज्यादा विचारणीय विषय ये था कि जो माया माई जो मैया है उनके हृदय में जो संशय आ गया है, उस संशय का निवारण कैसे किया जाए। तो केवल मैया के एक संशय को निवारण करने के लिए कृष्ण ने क्या करा, कृष्ण ने पूतना को ब्रज में बुलाया। कैसे, जब मैया के मन में ये विचार आने लगा कि भाई अब ये लाला है, अब ये मेरा दूध पी पाता है या नहीं पी पाता है, मैया दिन रात इसी चिंता में रहने लगी। तो केवल मैया की चिंता को दूर करने के लिए कृष्ण ने क्या करा, कृष्ण ने ब्रज में पूतना को बुलाया। और पूतना का वध कैसे किया कृष्ण ने पूतना का वध अपने अधरों के माध्यम से किया। चाहते तो कैसे भी मार सकते थे, लेकिन पूतना का वध कैसे किया, केवल अपने अधरों के माध्यम से किया। पूतना को वध करने के लिए अधरों का इस्तेमाल नहीं किया, केवल मैया को यह प्रमाण देने के लिए कि मैया, जब मैं इतनी बड़ी राक्षसी को केवल अपने अधरों के बल से मार सकता हूं, तो क्या मैं आपके स्तन से दूध पान नहीं कर सकता। तो केवल मानो मैया को केवल क्या कर रहे हैं, मैया को केवल संतुष्ट करने के लिए, उनको प्रमाण देने के लिए कि मैं आपका स्तन, आपका दूध बड़े अच्छे से पान कर पा रहा हूं, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। तो केवल चिंता, मैया की चिंता को निवारण करने के लिए क्या करा, कृष्ण ने ब्रज में सबसे पहले पूतना को बुलाया। उसके बाद ब्रज में जो दूसरा असुर आया वो था शक्टासुर। अब दूसरे नंबर पे शक्टासुर का ही आह्वान क्यों हुआ, जब सबसे पहले कृष्ण ने पूतना का वध किया, तो पूतना का वध करने के बाद कृष्ण को क्या करा, बहुत सारी ऐसी चीजें झेलनी पड़ी जो नहीं चाहते थे, जैसे गौमूत्र से स्नान करना पड़ा, झाड़ा लगवाना पड़ा कि भाई इसके ऊपर तो किसी बुरे राक्षस का साया है, इत्यादि इत्यादि वस्तुएं। तो दूसरे नंबर पे जब शक्टासुर ब्रज में आया, तो कृष्ण ने शक्टासुर को ही क्यों बुलाया दूसरे नंबर पे। अब जब कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया, मैया की एक चिंता का तो निवारण कर दिया कि हाँ भाई लाला दूध पी पा रहा है, लेकिन जैसे ही एक चिंता का निवारण हुआ, मैया के मन में दूसरी चिंता बैठ गई। मैया को पता है कि किसी भी बच्चे को चलने में 8 से 9 महीने का समय लगता है, लेकिन मैया का वात्सल्य इतना ज्यादा है कि मैया कुछ ही दिनों में, 3 से 4 महीनों में विचार करने लग गई कि लाला चल क्यों नहीं पा रहा, अरे कहीं इसके पैर कमजोर तो नहीं रह गए। तो वो दाइयों को बुलवाती हैं, लाला की घी से, लाला के चरणों की घी से अच्छी अच्छी तरह से मालिश करवाती हैं, लेकिन दिन रात एक ही चिंता में डूबी रहती है कि भाई ये चल क्यों नहीं पा रहा। तो जब दिन रात मैया को इसी चिंता में डूबे देखते हैं, तो कृष्ण को फिर चिंता लग जाती है, अरे मैया तो फिर से चिंता में आ गई, मैया की चिंता का फिर से कोई ना कोई निवारण करना पड़ेगा। तो केवल मैया की चिंता को फिर से निवारण करने के लिए क्या किया,
कृष्ण ने ब्रज में सक्टासुर को बुलाया, और जब सक्टासुर को बुलाया तो सक्टासुर का वध कैसे किया? अपने चरणों के माध्यम से। चरणों के माध्यम से क्यों किया? केवल ये प्रमाण देने के लिए मैया को कि मैया देखो मेरे चरणों में भी क्या है, मेरे चरणों में भी बहुत अधिक बल है, आप इस चीज की चिंता ना करें कि मेरे चरण अभी कमजोर है। तो मैया की दूसरी चिंता का निवारण किया। दूसरी चिंता का निवारण दूर हुआ ही नहीं था कि जब कृष्ण 100 दिन के थे, जब ये सक्टासुर का वध किया, करीब 3 महीना 10 दिन के, अब जब कृष्ण धीरे धीरे चलने लग गए, कृष्ण करीब 9 महीने के हो गए, 9 या 10 महीने के हो गए, तो ब्रज में कौन किसको आह्वान किया? तृणाव्रत को आह्वान किया। तृणाव्रत को क्यों बुलाया? क्योंकि जब लाला घर में खेला करता था तो जितने भी आसपास के गोप गोपियां थी वो लाला के दर्शन करने आती थी, मैया यशोदा से मिलने आती थी, और कोई भी आती थी तो मैया को कोई पूछती ही नहीं थी, आके पालने में से या फिर जहां पर भी लाला खेल रहा होता था आके उसको वहां से गोदी में उठा लिया करती थी। अब बच्चे को गोदी में कैसे उठाते हैं? उसके इधर अंडरआर्म से पकड़ के उठाते हैं। अब मैया किसी को बोल तो सकती नहीं थी, क्यों? अगर किसी भी गोपी को मना करेगी तो दूसरी गोपी ताना मारेगी मैया को, अरे तेरे ही बालक हुए लगता है, हमने थोड़ी बच्चे पाले हैं तो हमें थोड़ी पता है कैसे बच्चे को पकड़ना चाहिए। तो इस भय से मैया बोल भी नहीं पाती है। अब कोई भी आता है लाला को पकड़ के उठाता है, खिलाने लगता है, तो मैया फिर चिंता में होने लगी, अरे छोटा सा बच्चा है, कोई भी आके इसको उठा लेता है, कहीं इसके बाजू ना उतर जाए। तो मैया फिर चिंता में आने लगी, और मैया फिर जब चिंता में आने लगी, लाल ने देखा कि भाई मई तो फिर चिंता में आ रही है, तो मैया की चिंता का फिर निवारण करना पड़ेगा। तो केवल मैया की चिंता का निवारण करने के लिए किसको बुलाया ब्रज में? फिर तृणाव्रत को बुलाया, और तृणाव्रत का वध किससे किया भगवान ने? अपनी भुजाओं से किया। चाहते तो कैसे भी वध कर सकते थे तृणाव्रत का, लेकिन अपनी भुजाओं के द्वारा ही क्या किया? तृणाव्रत का वध किया। तृणाव्रत का वध करने के लिए अपनी भुजाओं का इस्तेमाल नहीं किया, भुजाओं का इस्तेमाल किया मैया को प्रमाण देने के लिए कि मैया देखो मेरी भुजाओं में कितना बल है, जब मैं इतने बड़े असुर को अपनी एक भुजा से मार सकता हूँ, अपने एक हाथ से उसकी गर्दन दबा के मार सकता हूँ, तो क्या अगर ये मेरे छोटे छोटे हाथों को पकड़ के उठाएंगी तो मेरा कंधा उतर सकता है क्या? नहीं उतर सकता। तो ब्रज में कोई भी ब्रजवासियों की कोई भी लीला और ब्रजवासियों की कोई भी कार्य होते हैं वो किसको केंद्रित करके होते हैं? कृष्ण को केंद्रित करके होते हैं। और कृष्ण के यदि कोई भी कार्य होते हैं तो वो किसको केंद्र करके होते हैं? वो पहले ब्रजवासियों को ही केंद्र करके होते हैं। तो बस मैं यही बोल के अपनी वाणी को भी विश्राम देना चाहता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यः नमो नमः। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात् संकीर्तनमृत रसे रमते अनुष्ठित प्रेमाम्बुधौ विहरणे यति चित्त वृत्ति चैतन्य चंद चरणे कुरतानुरागम चैतन्य चंद्र चरणे कुरतानुरागम। कलो नराजन जगतां परम गुरु तिलोकनाथा जत पाद पंकजम प्राएण मरता भगवंत अच्युतम यस्यास्ति प्रसन्न विविञ्चेतसा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर शत
श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में मेरा यथा योग दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु के चरण कमलों में समस्त उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णियों सबके चरण कमलों में मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद भागवतम श्रवण कर रहे हैं कुछ दिनों से। अभी महाराज जी जहाँ पे हैं, परीक्षित महाराज को श्राप मिल चुका है। ये प्रसंग महाराज जी और अनशन बलस लेके वो यमुना किनारे गंगा के तट पे बैठ चुके हैं सुक्ताल में, और वहाँ विभिन्न ऋषि आए हुए हैं। जिस दिन जब भगवान ये धराधाम की छोड़ के गए, उसी दिन से कलयुग का प्रवेश हो गया। और धराधाम के छोड़ के गए या वापस अर्जुन जब द्वारिका आए और देखे कि उत्साहहीन हैं, उनके शरीर पे कोई कांति नहीं है, ये सब कुछ उनके अंदर सब विकृत भाव देखे जाते थे, और इस तरह से अमंगल सूचक सब कुछ प्रस्तुत होता था, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा था। इसका कारण ये था कि कलयुग का प्रवेश हो चुका था। महाराज परीक्षित बहुत ही पांडवों के समान ही ये प्रभावशाली थे। जन्म से ही जिस तरह से पांडव प्रकट हुए, उनकी जन्म से ही उनके मन में जो एक देखी जाती थी ऐसे महानता गुण उनके अंदर जो प्रकाशित होते थे, तेजस्वी जो होता है, वैसे परीक्षित के अंदर शुरू से ही था। परीक्षित महाराज भगवान का गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में जब थे, जब भी दर्शन कर चुके हैं, और जो भगवान के कृपा प्राप्त हैं, इस कारण उनके अंदर जो है श्राप मिलने के बाद भी, जब श्राप मिला तभी वो विचलित नहीं हुए, थोड़ा भी उनकी बुद्धि जो ऐसा नहीं हुई कि ब्राह्मण का तेज से हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उनकी बुद्धि कभी भी विचलित नहीं हुई। महाराज परीक्षित कलयुग का जो दमन कर रहे थे, दिग्विजय पे निकले थे, तो कैसे आपने सुना धर्म का संवाद, पृथ्वी का संवाद, उसमें किस तरह से कलयुग का दमन किया और तीक्ष्ण तलवार लेके मारने के लिए कलयुग को दौड़े, तो उस समय कलयुग शरणागत हो गया। शरणागत होके क्या किया, वो बोला कि महाराज हम भी आपके प्रजा हैं, इसलिए हमें भी कुछ स्थान रहने के लिए स्थान देना चाहिए आपको। तो वहां परीक्षित महाराज ने कहा कि हमारे राज्य से तुम चले जाओ, लेकिन जो पांडवों के पूर्वज जो अर्जुन इत्यादि हैं, इसमें जितने भी पांडवों के पूर्वज जो हुए हैं, जो भी शरणागत हो जाता था उन पे बहुत ही कृपा करते थे, और इसलिए परीक्षित महाराज बोले कि तुम मेरे अगर शरण में आ ही गए हो तो अब तुम्हें किसी से भय नहीं है। लेकिन इसके बाद भी वो स्थान मांगा, तो जो स्थान दिया, चार स्थान दिया उनको, जूतम पानम विस्तृत सुना यत्र अधर्म चतुर्विदा, चार स्थान दिया, फिर भी और भी उनको याचना करने पे पंचम स्वर्ण जो सोने के रूप में, स्वर्ण के रूप में उसको स्थान दिया। इस तरह से कलयुग का पांच स्थान हो गया। यहीं पे जो यही पांच स्थानों पे कलयुग का विशेष रूप से वास है। ये आप देख ही रहे हैं कलयुग का प्रकोप जो है कितना बढ़ रहा है। अभी तो हरि नाम संकीर्तन है, इसलिए कलयुग में बचने का एक ही सहारा है, हरि नाम संकीर्तन। कोई कलयुग को मल को मथना चाहता है और चित्तवृत्ति भगवान से जोड़ना चाहता है तो नाम संकीर्तन ही है। बोल रहे हैं, सद्यम हृदयम यस्य वाचः सत्भूषितम् कायः प्रहृतम् तस्य कलितस्य करोति किम्। जो हृदय से सद्यम सदा प्रति भगवान की जो यश का गान करते हैं, उसका कली क्या बिगाड़ सकता है। जो ये हरि नाम संकीर्तन से, भगवान की नाम संकीर्तन से जो दूर जा रहे हैं, वहां ही कली का प्रभाव होगा।
इसमें कलयुग की जो वृद्धि होगी, कलयुग की धीरे धीरे वृद्धि होगी। अब ये कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही इसका उपद्रव है और भी बढ़ता जाएगा। किस तरह से इसका विस्तार होगा थोड़ा समय तीर्थ महाराज से सुना था, उसको बोल देता हूँ। जब तीर्थ महाराज जी ने गोवर्धन में भागवत किया था, जो सपना दीदी है वो कराई थी, उसमें मैं बैठा था, वहीं से थोड़ा सा सुना था, इसको बोल खत्म कर देते। महाराज परीक्षित के चार पुत्र थे, जिसमें उसके सबसे बड़े पुत्र थे जनमेजय। ये जनमेजय के जिस तरह से पांडवों ने क्या किया, पांडवों ने जो परीक्षित को राजा बना के और हिमालय की तरफ गए, वहाँ अपना अंतिम जो लीला है वो स्मरण करना चाहते तो वहाँ गए। राजा युधिष्ठिर महाराज ने बजनाभ को, अनिरुद्ध के जो पुत्र हैं बजनाभ, उनको अभिषेक क्या किया मथुरा में किया। इस तरह से महाराज परीक्षित को जब श्राप मिल गया, इसके पहले ही उन्होंने जनमेजय को हस्तिनापुर की गद्दी पे अभिषेक कर दिया था। इनके जो है, इनके वंश में एक बता रहे हैं कि ब्राह्मध्वज एक आएंगे। ये ब्राह्मध्वज की पीढ़ियां जो है क्या करेगी, ये तीन पीढ़ियां चलेगी जनमेजय के बाद, ये तीन पीढ़ियां चलेगी। ऐसे चलते चलते इनके वंशज में और भी कई कई पीढ़ियां उत्पन्न होगी। फिर जो एक अजात शत्रु आएंगे, इसी पीढ़ी में अजात शत्रु आएंगे, जिसका विदिशा नाम से जो प्रसिद्ध होंगे। ऐसी में आएंगे कि महान जो राजा होंगे सम्राट, ये सम्राट अशोक होंगे। ये भागवत में ही वर्णन है, तीर्थ महाराज बता रहे थे। इसके बाद जो है इसका अशोक का जो वंश है बहुत ही आगे चलेगा, कई कई पीढ़ियां निकल जाएगी। इसी में इसके बाद एक महाप्रतापी जो राजा होंगे, जिसका नाम होगा नंदराज, नंदराज जो सब राजाओं को दंड देने के सामर्थ्य रखेंगे। जो नंदराज हैं ये इतने प्रतापी होंगे कि उतने जितने भी राजा होंगे उस पर वो शासन करेंगे, इनके अंदर ये सामर्थ्य होगा। जब नंद वंश में नौवां राजा होगा, ये नंद वंश में जो क्रम से जो नौ पीढ़ियां जाएगी इसमें नौवां राजा होगा, तो उसी समय एक महान प्रतापी चाणक्य आएगा। चाणक्य क्या करेगा, नंद वंश है इसको खत्म कर देगा। इसको खत्म करके क्या करेगा, मौर्य वंश का स्थापना करेगा, मौर्य वंश का स्थापना करेगा। अब जो यहीं तक जो है नंद वंश चलेगा, यहां से मौर्य वंश का शुरू हो जाएगा। इस वंश में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ये प्रधान राजा होंगे, सुना होगा अपना नाम। और इस चंद्रगुप्त मौर्य में फिर आगे चल के इसका वंश, इसमें भी नौ राजा का वर्णन है, ये इसकी पीढ़ियां नौ पीढ़ी चलेगी। जब दसवां राजा होगा उसका सेनापति ही, इस मौर्य वंश में जब दसवां राजा होगा उसका सेनापति ही उसको कत्ल कर देगा, सेनापति कत्ल करके स्वयं राजा बन जाएगा। फिर जो है आगे चलकर इसी वंश में भोजवंशी ये जो कत्ल करके राजा बनेगा, उसी के वंश में कुछ भोजवंशी आएंगे, और इस भोजवंशी में फिर विक्रमादित्य इत्यादि राजा होंगे। फिर भारतवर्ष में फिर विभक्त हो जाएगा, छोटे छोटे राज्यों में भारतवर्ष बट जाएगा। और क्या होगा, ये छोटे छोटे राजा होंगे आपस में मार काट करेंगे, और जो कुछ धनों के लेके, कुछ स्त्री को लेके, लड़की के विवाह को लेके, ऐसे लेके आपस में लड़ेंगे और मरेंगे। फिर बता रहे हैं कि इसमें अंतिम जो राजा होगा, इसमें जो अंतिम राजा होगा विक्रमादित्य इत्यादि में, वो जो हिंदू होगा। और जिसमें प्रधान जो एक और राजा आएगा वो पृथ्वीराज चौहान, इसको उसका दामाद, पृथ्वीराज चौहान का एक दामाद होगा जो जयजन नाम से प्रसिद्ध होगा, और उसको वो मार डालेगा, इसको पृथ्वीराज चौहान को खत्म कर देगा। फिर
जो जयजन है इसकी इसकी गद्दी पे वो शासन करेगा। कौन? जो इसको दामाद है मार के वो शासन करेगा। फिर जो है यहाँ से बता रहे हैं कि फिर मुस्लिमों का राज आ जाएगा, ये जो यहाँ से मुसलमान आएंगे और भारत बस में राज करेंगे। यवन राजा भारत पर राज करेंगे, जिसमें आएंगे मोहम्मद, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब इत्यादि, इसके बाद इस भारत पर शासन करेंगे। इसमें आगे चल के एक जो है मुगल पठान बहुत प्रसिद्ध राजा होगा, जो समस्त भारतवर्ष में शासन करेगा। मेरा कुछ नहीं है, तीर्थ महाराज जी बोले। तो जो है ये मुगल पठान होगा जो शासन करेगा, पूरे भारत पे शासन करेगा। मुगल पठान जो ये वंश है, मुसलमान वंश है, जिसमें बाबर, हुमायूं इत्यादि आएंगे, इसमें एक होगा जो वो जो आएगा, आ गया, अभी तो हो चुका है, मतलब जब के वर्णन हो रहा है भागवत में, वर्णन हो रहा है कलयुग के बाद वर्णन हो रहा है भागवत में, वर्णन हो रहा है। परीक्षित महाराज कलयुग का जो पूछे कि किस तरह से इसमें वंश का विस्तार होगा, तो उस समय आएगा इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि वहां वर्तमान है, यहाँ तो हो चुका है। तो कह रहे हैं कि इसके बाद उनका पठानों का शासन होगा। फिर जो है ब्रिटिश आएगी, ब्रिटिश जो आएगी भारतवर्ष में 200 वर्षों तक शासन करेगी, और जो ये जो अपने भारतवर्षियों को अपने गुलाम बना के रखेगी। आगे चल के फिर जो है मौनी नरपति आएंगे, जो क्या करेंगे, चुनाव के द्वारा, अभी हो रहा ना, चुनाव के द्वारा जीतेंगे, वोट दिया जाएगा, उसके द्वारा जो राष्ट्रपति पद प्राप्त करेंगे, प्रधानमंत्री पद प्राप्त करेंगे, ऐसे प्राप्त करके फिर जो है भारत का शासन करेंगे। फिर जो है ऐसे कर करते 22 राष्ट्रपति होंगे, ऐसा 22 राष्ट्रपति होंगे। फिर आगे चल के इसकी ऐसे चुनाव चिन्ह आता रहेगा, फिर जो है ये विभक्त हो जाएगा, आपस में विभक्त होके जो भारतवर्ष फिर राजतंत्र में विभक्त हो जाएगा, छोटे छोटे राजा भी हो जाएंगे चारों तरफ। ऐसे करते करते बोल रहे हैं कि बिहार में एक बड़ी प्रतापी राजा होंगे, जो सब कुछ जितने भी जाति वर्ण इत्यादि है उसको नष्ट कर देंगे, मिटा देंगे, जितने भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि है, अलग अलग विभाग है, इस सबको खत्म कर देंगे। खत्म करके वो जो है वो पाटलिपुत्र, जो पटना है, पटना उस वहाँ पाटलिपुत्र में रह के वो राज्य करेंगे, और जो पटना का नाम पद्मावती नगरी रख देंगे, और वहाँ बैठ के वो सबको कंट्रोल करेगा। फिर भारत की राजधानी जो अभी दिल्ली है उसका नाम बदल के वो किला नगरी रख देगा, पाटलिपुत्र में जो होगा। ऐसे करते 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 बोल रहे हैं कलयुग का जो 5000 वर्ष बीत जाएगा, इससे अधिक समय निकल जाएगा, तो क्या होगा, इस समय भी अनेक लोगों को संहार होगा, अनेक लोग जो आपस में कलह करके मरेंगे, इस तरह से जनसंख्या में कुछ कमी आएगी। फिर भारतवर्ष में एक महान करें भारतवर्ष जो है क्या होगा, एक महान आसन पर विराजमान होगा, और समस्त जो संसार के जो मार्गदर्शक और ज्ञान में रत जो होगा वो भारतवर्ष होगा। ये सब भारतवर्ष क्या होगा, सबका मार्गदर्शन करेगा, ऐसा बने रहेगा। ऐसे करते करते कलयुग का 30,000 वर्ष और निकल जाएंगे, बीत जाएगा। फिर जो है गुजरात में और वीर रसिक के गर्भ से कली जन्म लेगा, एक वो कली नहीं है, ये कली कोई है जो ये जन्म ग्रहण करेगा। ये कली जो है ये क्या करेगा, ये भारतवर्ष पे पूरे शासन करेगा। देवता और सदपुरुष कली के डर से एक ये सब प्रभाव होगा कि जो सदपुरुष इत्यादि होंगे वो वैष्णो देवी में आश्रय लेंगे, यहाँ से इसके ऐसा शासन होगा जिसके प्रभाव से अनेक लोग भाग के जो वैष्णो देवी में आश्रय लेंगे। फिर जो है करें कि मलेच्छों का प्रभाव रहेगा, इसके बाद मलेच्छ राजा होंगे। इसके बाद ऐसे करते करते कलयुग का 45,000 वर्ष बीत जाएगा, इसमें 25,000 हिंदू राजा आएंगे, 45,000 वर्ष के अंदर जो है 25,000 हिंदू राजा होंगे। फिर जो है अधर्म अधिक बढ़ेगा, कलयुग का ऐसे आयु बीतती जाएगी, अधर्म अधिक बढ़ेगा, जाति पाति सब खत्म हो जाएगा,
और ऐसा समय आएगा देशी और विदेशी सब मिलके आपस में रहेंगे, एक ही में रहेंगे और आपस में ही शादी विवाह इत्यादि सब करेंगे, देशी विदेशी में कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर जो है कलयुग का 1 लाख वर्ष ऐसे करते करते निकल जाएगा, 1,25,000 वर्ष जब कलयुग का बीत जाएगा तो उस समय पृथ्वी पर हरि राम संकीर्तन का प्रचार तब तक बरकरार रहेगा, 1,25,000 वर्ष तक जो हरि नाम संकीर्तन का प्रभाव अभी रहेगा। आगे चल के बता रहे हैं कि जो धीरे धीरे कलयुग का और भी अनेक अनेक समय बीत जाएगा तब चलकर आगे गिरिराज जी लुप्त हो जाएंगे, गंगा जी लुप्त हो जाएंगे, फिर धर्म सब धर्म कर्म इत्यादि लुप्त हो जाएंगे, उस समय लोग पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, लोग जो है सर्पों की पूजा करेंगे, जानवरों की पूजा करेंगे और भूतों की पूजा करेंगे। फिर जो है कलयुग, घोर कलयुग आता जाएगा, मनुष्य की आयु कम हो जाएगी, मनुष्य की आयु बहुत ही कम हो जाएगी, मनुष्य की आयु जो है 20-30 वर्ष ऐसे हो जाएगी, और जो है मनुष्य में कोई सामर्थ्य नहीं रहेगा, इसकी उम्र भी बहुत छोटी हो जाएगी। इसमें बोल रहे हैं कि जो बैगन का जो पेड़ है उस पर डंडे से बैगन तोड़ेंगे, इतनी छोटी आयु हो जाएगी। हाइट हाइट इतनी छोटी बैगन को जो है डंडे से तोड़े जो वर्णन है ऐसा क्या हमने पास नहीं। अब जो है घोर कलयुग का शुरू हो जाएगा, इसके बाद जो घोर कलयुग आता जाएगा, माता बेटी कन्या पत्नी इसमें कुछ विचार नहीं रहेगा, सब आपस में ही जो है पशुओं के समान सब मिलेंगे, इसमें भी विचार नहीं रहेगा। अब घोर कली में भगवान दुराचारियों को नष्ट करने के लिए जो है आएंगे, अपने कराल तरवार से ये दुष्टों के गला काटेंगे, ऐसे गला काटे हैं, इसके बाद सतयुग का आरंभ होगा। लेकिन देखो ये बता रहे हैं कि दुष्टों का गला काटेंगे भगवान कल्कि आएंगे, लेकिन इस कलयुग में नहीं है, इसमें ऑलरेडी महाप्रभु के अवतार हो चुका है, इस कारण अन्य कलयुग के लिए बताया गया है, धन्य कलयुग की नहीं। धन्य कलयुग जो है, अभी जो कलयुग है इसका और जो कलयुग है इससे बहुत ही पार्थक्य है। धन्य कलयुग में जो है सतयुग द्वापर त्रेता की जो प्रजा है वो भी चाहती है कि मेरा जन्म धन्य कलयुग में हो, भागवत में ही वर्णन है इसका, कृता जिसु प्रजा राजन कलु वछन्ति संभवान अतः कलु भविष्यन्ति नारायण प्रायण। बोल रहे हैं कि जो त्रेता द्वापर कलयुग की जो प्रजा है वो चाहती है कि मेरा जन्म कब हो, कलयुग में हो, क्योंकि ये धन्य कलयुग में क्या होगा, कहीं कहीं भगवान की भक्त बहुत देखे जाएंगे। अभी बंगाल में देखो इधर जो इस तरफ बहुत भक्त पाए जाते हैं, उड़ीसा इत्यादि की तरफ भगवान की बहुत ही भक्त हैं, कहीं कहीं बोला पूरा सुना है कहीं नहीं है, इस तरह से बता रहे हैं कि भगवान की भक्त सब जगह पाए जाएंगे। इस तरह से जो ये धन्य कलयुग के जो अन्य कलयुग है उसमें भगवान की अवतार आते हैं, जो युगावतार हैं वो आते हैं और उस धर्म की प्रचार करते हैं, लेकिन धन्य कलयुग में स्वयं भगवान आते हैं। इस कारण जो ये कलयुग है इसमें बहुत ही पार्थक्य है। विशेष रूप से जो महाप्रभु की आश्रय में जो भजन करते हैं, महाप्रभु के आश्रय लेके जो भजन करते हैं इसका तो वर्णन करना ही, इनकी तो स्वरूप सिद्धि में दो अवस्थाएं होगी, एक तो महाप्रभु के परिकर्ता तो प्राप्त होगा, एक राधा कृष्ण का, दोनों का होगा, इसलिए ये धन्य कलयुग की बहुत ही विशेषता है। तो यहाँ परीक्षित महाराज ने क्या किया, कलयुग से जो दमन करने किया, कलयुग को दमन किया और कहा स्थान दे दिया, 5 स्थान इनको दे दिया और कलयुग वहां विराजमान होने लगा। इधर जो श्रमिक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि, इन्होंने जो बहुत प्रभावशाली थे, इन्होंने श्राप दे दिया परीक्षित महाराज को कि मेरे पिता को जो अपमान किया, राजा जो हैं आजकल बहुत ही अपने आप को जो ये दिखाने लग रहे हैं पाखंडी हो चुके हैं, और जो ब्राह्मणों का क्या तेज है ये कुछ समझते नहीं, इस कारण जो है ये ऐसे राजा अपमानी कर रहे हैं। जब श्रमिक मुनि को ये पता लगा कि मेरा जो पुत्र ऐसा राजा को श्राप दे, जो प्रसन्न नहीं हुए, बोले कि मूर्ख बालक तू ये नहीं चाह, तुमने बहुत ही अनर्थ कर डाला,
तुम नहीं जानता कि जिस समय ये राजा के रूप में भगवान विलास नहीं करेंगे, उस समय जो इतने डाकू इत्यादि हो जाएंगे, लुटेरे हो जाएंगे, कि जो ये संसार कैसे चलेगा, सब तो मनमानी कर ले। जो है परीक्षित महाराज जो हैं कोई साधारण नहीं है, इस कारण वो उस पर प्रसन्न नहीं हुए। और जो विशेष रूप से भगवान की इच्छाएं थी परीक्षित महाराज को, जो ब्राह्मण उनके पत्री जन्म कुंडली देख रहे थे, जब भी बोल दिए थे कि इस तरह से भागवत प्रकाशित होगा, इस कारण परीक्षित महाराज जो श्राप मिलेगा, ये तो सब बोल दिए थे पहले ही। यहाँ जो परीक्षित महाराज जो क्या किया, फिर जो अनशन व्रत ले लिया, बहुत ही प्रसन्न हुए कि हमारी जो आसक्ति जो है ये राज में, राजकोष में, प्रजा में, अपने पत्नी इत्यादि में, पुत्रों में हो गई थी, लेकिन जो है ये श्राप मिल गया, इस कारण संसार से विरक्त होने का हमें जो बहुत ही सुगमता सुमार्ग मिल गया। लेकिन जो है वो प्रसन्न थे, प्रसन्न थे, फिर भी उन्होंने ये किया कि हमारे पास बहुत ही समय कम है, 7 दिन है, लेकिन जो 7 दिन चित्तवृत्ति, अपने चित्तवृत्ति को जब भगवान में लगा लिया जाए तो तीव्रता से वो साधन हो जाती है, तीव्रता से वो साधन हो जाती है। राजा खटमांग ने जो 2 घड़ी की समय बचा था उसी में भगवत प्राप्ति कर ली थी। इधर चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखिए, मुकुंद सब पर भगवान भगवत भाव में महाप्रभु आविष्ट हैं, सब पर कृपा कर रहे हैं, मुकुंद पे जो है कृपा नहीं कर रहे हैं। भक्तों ने पूछा कि मुकुंद पे क्या कृपा नहीं होगी, माँ बोले वो खड़ जाटिया है, जहां जाता है वैसा बन जाता है। प्रभु बोले ओ बेटा जखन यथा जाय ते मते कथा कही तथा ही मिसाय, भक्ति स्थाने हर हिल अपराध एते को हर हिल दर्शन बाद। बोले क्योंकि उसका मुकुंद का भक्ति के चरण में अपराध हो गया, इस कारण उसको दर्शन नहीं दूंगा, मैं कृपा नहीं करूंगा। जब भक्तों ने, मुकुंद बाहर थे, जब भक्तों ने गए मुकुंद बोले कि महाप्रभु से पूछो कभी तो कृपा होगी। तो फिर भक्त महाप्रभु से पूछ के आए तो महाप्रभु बोले, बोला कि जो है 1 करोड़ वर्ष बाद होगा कृपा। जब खबर मिला मुकुंद को 1 करोड़ वर्ष बाद कृपा होगा, तो मुकुंद उदंड नित्य करने लगे, तो महाप्रभु तुरंत बुला लिया उनको, वहां कृपा किया। जब ये सबने जिज्ञासा की, आप तो बोल रहे थे कि 1 करोड़ बरस, लेकिन जो फिर महापुरु ने बोला, भक्तों ने बोला कि ये इतना तीव्रता जो दिखाया इन्होंने 1 करोड़, और इस तरह से उदंड नृत्य किया, इस तरह से मेरे प्रति जो इनकी चित्तवृत्ति धावित हुई, इस तरह से 1 करोड़ समय बरस का समय जो 1 पल में पार हो गया, इस कारण जो है ये अभी इनको कृपा हो गई। इस तरह से परीक्षित महाराज के पास 7 दिन है, लेकिन जो भगवत भक्त अगर 5 दिन भी जिए, साधन भजन करे, तो वही उसके लिए उत्तम है। लेकिन कोटि अगर कल्प, श्लोक भी है ना, जीवतम तो विष्णु भक्त ब्रह्म पंच दनानित न तो कल्प सहस्त्राणी भक्ति ही नष्ट किए सभी। बोल रहे हैं कि जो भगवत भक्त अगर 5 दिन जीवित रहे फिर भी उसका जीवन सार्थक है, लेकिन कोटि कल्प अगर किसी की आयु हो जाए, भगवान से विमुख हो, तो उसका फिर लाभ ही क्या है। इस कारण परीक्षित महाराज ने ये जो भगवान के भक्त हैं, श्रीमद् भागवत इनके कारण प्रकाशित होने वाला है, इस कारण ये सब इनको जो है लीलाएं हो रही है, यद्यपि नित्य उनके परिकर हैं परीक्षित महाराज। इसमें ऐसे जो दुर्बुद्धि कैसे आ सकती है कि किसी ऋषि का अनादर करें, लेकिन जो एक कारण बना, भागवत जी प्रकाशित होने वाले हैं इसके माध्यम बन के एक कारण बना, इसलिए जो श्राप मिला। यहाँ जो भक्ति जो परीक्षित महाराज जी गंगा के तट पे बैठे हुए हैं सुक्ताल में, वहां जो अनेक अनेक ऋषियों का आगमन हो रहा है, वहां जितने भी सब तरफ फैल गया कि परीक्षित महाराज जो भगवान के परम भक्त हैं, उन्होंने अनशन बरस लेके बैठ गए हैं, इस कारण सब लोग आने लगे।
वहाँ जो लास्ट में सुखदेव जी भी आते हैं, और किस तरह से सुखदेव जी सब सर्वप्रथम बोलने से पहले भगवान की 16 या 17 श्लोकों में वंदना किया है, वो सब अब वर्णन सुनेंगे महाराज जी से। इसके आगे महाराज जी बोलेंगे, फिर कभी हम इसका आगे जाएंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयो च पत्तानां पावनि विष्णुभो नमो नमः। बोलो बोलो, 35 उसको दे दो, 35 तिथि है उनके बारे में बोल दूं। कृपा जी के पास भक्ति आलोक परमहंस गोस्वामी महाराज की तिथि आ रही, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद ओम श्रीपाद अष्टोत्तर शत श्री त्रिदंडी स्वामी परिविराजाचार्य शिष्य भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, एवं मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म श्रीपाद परमेश्वरी प्रभु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम, एवं यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णव के इसी चरणों में यथाज्ञ प्रणाम। आज गुरुपाद जी के पार्षद श्री भक्ति आलोक परमहंस गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि है, हम उनके विषय में कुछ श्रवण करेंगे। रूपा जी की वंदना में एक पंक्ति आती है, वैष्णवेर गुणगान करीले जीवेर त्राण सुनी आची साधु गुरु मुखे, कि वैष्णवों का गुणगान करने से जीव का कल्याण होता है, ऐसा हमने गुरु वैष्णव के मुख से सुना है। तो वैष्णव का गुणगान करने से जीव का त्राण कैसे होता है? एक वैष्णव वंदना में बताया, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे नमन मम वैष्णव प्राण। वैष्णव कौन है? भगवान के, भगवान जिनके हृदय में वास करते हैं, तो ऐसे जो परम परम वैष्णव हैं उनका गुणगान करने से अवश्य ही जीव का कल्याण हुआ। और इनके विषय में आता है कि इनका जो आविर्भाव 1893 ईस्वी को रविवार और शुक्ला प्रतिपदा को हुआ था, तो इनका जो है आविर्भाव की आविर्भाव का मास और दिन और वार सब प्रथम ही पड़ता है। प्रथम क्यों पड़ता है? जो पहला नंबर है उससे पहले और कुछ नहीं है, पहले नंबर से गुरु कुछ पहले नहीं आता, सबसे पहले नंबर ही जो है वो सबसे श्रेष्ठ भी है और सबसे नीचे भी है। और इनके जो बचपन का नाम था वो था महेंद्र, बाद में जब प्रभुपाद जी के आनुगत्य में पहुंचे तो प्रभुपाद जी ने इनको नाम दिया महानंद ब्रह्मचारी। उसके बाद इनके विषय में बताया कि ये जो है शुरू से ही परम वैष्णव थे, इनके अंदर सारे वैष्णवीचित गुण विद्यमान थे। और बताते हैं कि जब वैष्णव इस जगत से चले जाते हैं तो उनके लिए क्या कहते हैं, तहां बिना रत्न शून्य हई लमेदनी, इनको ऐसा रत्न स्वरूप बताया कि पृथ्वी जो है ऐसे रत्न स्वरूप जो वैष्णव हैं उनके बिना क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, इसलिए उनकी ऐसी महिमा है। और जब प्रभुपाद जी अप्रकट हो गए तो उसके बाद इन्होंने जो है चिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से संन्यास ग्रहण किया, और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात इनको नाम दिया भक्ति आलोक परमहंस महाराज। उससे पहले प्रभुपाद जी ने इनको भक्ति आलोक उपाधि से विभूषित किया था। इनकी जो है एक दो शिक्षाएं हैं उनके बारे में कहता हूं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो जो है उनका नाम था निशिकांत सान्याल, वो जो है एक
कॉलेज में प्राध्यापक थे, वो क्या करते थे, जो उनको वेतन मिलता था वो सारा वेतन प्रभुपाद जी को समर्पित कर देते थे। प्रभुपाद जी को उनको चिंता होने लगी कि सारा वेतन हमको दे देता है, अब इसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो प्रभुपाद जी ने उनसे कहा भी कि आप सारा वेतन हमको दे देते हो, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करोगे, उसके लिए भी तो कुछ रख लिया करो। तो उन्होंने इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो प्रभुपाद जी इस बात को लेकर के चिंताग्रस्त हुए। तो प्रभुपाद जी ने इनसे, उस समय ये ब्रह्मचारी थे, श्री महानंद ब्रह्मचारी नाम था इनका, तो इनसे कहा कि आप जो है इनके परिवार की व्यवस्था को देखो। तो इन्होंने क्या किया, उनके परिवार की सारी व्यवस्था को देखा, शिक्षा और बच्चों का विवाह इत्यादि सब कुछ उनका सेवा करते थे। लेकिन अब यहाँ पर एक विचार है, जो त्यागी वैष्णव हैं क्या उनको किसी ग्रस्त वैष्णव की सेवा करना उचित है। इसमें दो विचार बताए। सबसे पहले तो प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया है, तो प्रभुपाद जी जो उनको आदेश जो दिया है उसका पालन कर रहे हैं। दूसरा, प्रभुपाद जी उनके गुरु हैं और गुरु शिष्य को जो आदेश देते हैं उसका पालन करना ही शिष्य का परम कर्तव्य है। तो ये तो पहला विचार है। और दूसरा विचार बताया कि त्यागी वैष्णव को जो है गृहस्थों की सेवा में नहीं रहना चाहिए, अधिकतर उन्हें क्या करना चाहिए, गुरु वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, वो उसी में जो है उनको रत रहना चाहिए। लेकिन ये क्या करते थे, ये कभी वहां पर गए नहीं उनके यहाँ पर, इन्होंने दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से उनकी सारे सेवा की व्यवस्था को जो है, मतलब सारी व्यवस्था जो है दूसरे के माध्यम से कर दी, क्योंकि ये कभी वहां पर उनके यहाँ पर नहीं गए। दूसरा विचार ये है, एक बार चट्टीग्राम वासी, चट्टीग्राम में प्रभुपाद जी गए, वहां पर प्रचार किया और बहुत सारे भक्त लोगों ने प्रभुपाद जी का आश्रय ग्रहण किया। तो उनमें से एक भक्त थे जिनकी दो कन्याएं थीं, वो जो है विधवा हो गई थी, तो उनके जो है जो परिजन ससुराल वाले थे उन्होंने जो है उनको कुछ भी ना देने से मना कर दिया। अब जो विधवा हो गई कन्याएं, तो अब वापस तो घर नहीं जाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना तो कुछ खाने पीने का रहने का व्यवस्था करना पड़ेगा। अब जो है प्रभुपाद जी को ये पता चला कि ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही कह दिया प्रभुपाद जी ने साधारण भाषा में, ये सब क्या चल रहा है, तुम कुछ देख नहीं सकते। तो उन्होंने जो है वहां जाकर उनके प्रति केस कर दिया, उनके ससुराल वालों के प्रति, जो उनके ससुराल वाले थे उनके प्रति केस कर दिया और वहां से जो है उनको सारी व्यवस्था उनको दिला दी। ये जो है ये दूसरे विचार था। एक बार क्या हुआ, जे इनको जो है भक्तियालोक परमहंस गोस्वामी महाराज जी को प्रभुपाद जी ने भागवत प्रेस की जो है सेवा प्रदान की और वहां पर इनको मैनेजर बना दिया। बताते हैं कि उपाधि जो है अगर किसी को मिल जाती है ना तो उसे अहंकार हो जाता है, लेकिन ये जो है हमेशा जो सेवा करते थे एक दास और सेवक के रूप में ही सेवा करते थे, लेकिन सारी सेवाएं इनकी कैसी थी, मैनेजर जैसी, सारी सेवाएं मैनेजर जैसी थी और सेवा करते थे दास के जैसे। जैसे कुंती महारानी, गुरुजी बता रहे थे, गुरु कुंती महारानी कह रही हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मदा पुमान नेवारहत्यम विधातुम वय ताम अकिंचन गोचरम, कि जिसका उच्च कुल में जन्म हो जाए, जिसको ऐश्वर्य मतलब महान ऐश्वर्य हो, श्रुत मतलब विद्या में श्रेष्ठ विद्या प्राप्त किए हो, श्री मतलब सौंदर्य पूरा अधिक सौंदर्य हो, तो उसको क्या होता है, अभिमान हो जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं भगवान उनको दर्शन नहीं देते। भगवान किनको दर्शन देते हैं, जो ताम अकिंचन गोचरम, जो इस भौतिक दृष्टि से ऊपर हैं, भौतिक दृष्टि मतलब जो जड़ दृष्टि है, जैसे
बता रहे थे कि जैसे बाहर सड़क में रोड पर लोग पड़े रहते हैं, उनके पास भी तो कुछ नहीं होता है, क्या उनको अकिंचन कहते हैं? उनको अकिंचन नहीं कहते, अकिंचन उनको कहते हैं जिनके पास एक ही संपत्ति है। क्या संपत्ति है? कृष्ण भक्ति ही जिनकी संपत्ति है, ऐसे व्यक्तियों को अकिंचन कहते हैं। ऐसे भक्तों को जो है भगवान दर्शन देते हैं। जैसे भगवान की लीला में क्या आया, वो नलकुबर और मणिग्रीव थे ना, वो दोनों स्नान कर रहे थे और किसके पुत्र हैं वो? कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर के पुत्र होने के कारण उच्च कुल में जन्म भी है, सौंदर्य भी है, विद्या भी है और श्री जन ऐश्वर्य ऐश्वर्य भी काफी है उनके पास। और नारद जी उधर से होकर के आ रहे थे, अब वो जो जिन कन्याओं के साथ वो विहार कर रहे थे, वो कन्याएं तो नारद जी को देख करके बाहर निकल के आ गई, लेकिन वो उनकी बुद्धि ऐसी घूम गई, जब उस अहंकार उनका ऐसा बढ़ गया कि उन्होंने जो है उनका सम्मान ही नहीं किया और वहीं स्नान करते रहे। इस कारण क्या हुआ, उनको जो है नारद जी के द्वारा श्राप मिला। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, हमारे परम गुरु जी श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, उनका भी जो है उच्च कुल में जन्म हुआ, अपार ऐश्वर्य और विद्या में भी अच्छे अच्छी मतलब विद्या भी श्रेष्ठ विद्या ग्रहण की और सौंदर्य भी देखो इतना सुंदर स्वरूप था महाराज जी का। तो ये जो है उपाधि मिलने से क्या होता है, अहंकार हो जाता है, लेकिन भक्तों में ये सब नहीं होता है, भक्त जो है इनसे इससे भी ऊपर है। इस प्रकार महाराज जी का चरित्र है। एक समय श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, ये जो है मायापुर में भक्ति आलोक परमहंस गोस्वामी महाराज जी जमीन जो है खरीदना चाहते थे, तो उस जमीन पर जो है बाहर से जो लोग आए ना, उन्होंने कब्जा कर लिया। अब उनको पता चला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को, इन्होंने जाकर के अपने भक्तों को साथ में लेकर के उनको खदेड़ दिया वहां से और फिर उनको जो है वो जमीन उनको दे दी। जब इनको जमीन दे दी तो रूपा जी के शिष्य भक्ति सौरभ सार गोस्वामी महाराज जी वहां पर आए उनके पास में, बोले कि हम भी चाहते हैं कि हमारा भी जो है कोई स्थान यहाँ पर हो। तो उन्होंने जो है उस जमीन में से कुछ जमीन उनको दे दी और वहां पर उन्होंने जो है गोड़िया मठ बनाया। एक समय ये क्या करते, ये जो है कृपा जी कैसी सेवा करते थे, बहुत अच्छी सेवा करते थे। ये जितने भी गोड़िया मठ के लिए या और किसी व्यवस्था के लिए जमीन ग्रहण जमीन का संग्रह करते थे, तो इनका जो है रूपा जी ने नाम रखा केनाराम। तो जमीन ग्रहण करते थे ना, केना मतलब होता है खरीदना, तो ये जब जमीन खरीदते थे इसलिए इनका नाम केनाराम रखा। इस प्रकार इनकी ऐसी महिमा है। बस मैं यही इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ कृपा सिंधु नाम पापनी भी वैष्णव हरी बोल हरी गुरु। ओम ज्ञान तिमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये ठीक है कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप
सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री लव नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री परीक्षित महाराज ऋषियों को प्रश्न किया है, आज हो कल हो परसों हो और बरसों हो, जिन जिनको एक दिन मरना है उनका क्या कर्तव्य है। जब नासो मुनिर्जस्य मतम न भिन्नम, ऐसे कई ऋषि मुनि नहीं थे जिसका मत ही कोई अलग नहीं था। सब अलग अलग उनको बात, कोई जाग कोई यज्ञ कोई तपस्या, अलग अलग बात जब बताए, जब उन्हें हृदय से भगवान को स्मरण किया, बोले ठाकुर जी आप ही मुझे मातृ गर्भ में दर्शन दिया और मुझे रखिया किया है, इसलिए मेरी केवल एक ही इच्छा है आपकी कथा सुनते सुनते ये 7 दिन मेरे बीत जाए, अब केवल इतना ही मेरे लिए कर लो। कि जब हृदय से भगवान को कोई स्मरण करते हैं कि तेसाम सतत जुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जोगम तम जनमाम उपजानते थे। अगर निष्कपट हृदय से कोई भगवान को प्रार्थना करे, भगवान सारी इच्छा को, ठाकुर जी सब इच्छा को पूरी कर देते हैं। आज जो हम लोग आ करके वृंदावन में सेवा कुंज, कभी ये सेवा कुंज किया, गुरुदेव कहते हैं कि जो सेवा कुंज है ये वृंदावन का हृदय। आप कहाँ, मैं कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ, देखो अलग अलग जीवन देखो, लेकिन अभी जो वृंदावन का हृदय श्री सेवा कुंज में अभी बैठ करके हम भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, किसकी कृपा है? हमको यहाँ पर लाया को? किसने हमें ये सौभाग्य प्रदान किया है? भगवान ने किया है, ठाकुर ने किया है, हैं? इसलिए सच हृदय से भगवान को पुकार तो ठाकुर जी सब कुछ व्यवस्था करते हैं। जब उन्होंने अंतर आत्मा से भगवान को प्रार्थना किया, ठाकुर जी ने क्या किया, माने ठाकुर ही कहते सुखदेव गोस्वामी रूप में बोले तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र जद्री छया गा मटमान पेक्ष अलक्ष लिंग निज लाभ तुष्ट वृत बालूत वेश। यहाँ पर वर्णना करते हैं तत्र तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्र, कहते वहां पर क्या हुआ, कहते श्री व्यास देव का जो पुत्र है, हैं भगवत इच्छा से गामट मान अनपेक्ष लिंग, जिसके शरीर में किसी कोई आश्रम का कोई चिन्ह नहीं था और उनने भ्रमण करते करते हैं कहते निज लाभ तुष्ट, कहते आत्मा वो भक्त लोग क्या होते हैं, आत्मा राम हैं, कृष्ण जैसे आत्मा राम है, ये स्वयं परिपूर्ण होते हुए भी कहते बालई अवधूत वेश, कहते हैं वृतस्य बालई अवधूत वेश, कहते बच्चे लोग जिनको ऊपर में धूल झोंक रहे थे और हाँ हाँ वो बच्चे लोग करते हैं ये पागल है, धूल झोंकते हुए उनको पीछे 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 सबके सब चल रहे थे और इनका वेश क्या है, बोले अवधूत वेश है, हैं जिनकी शरीर से संपूर्ण हैं काम क्रोध लोभ, जिसका शरीर से संपूर्ण धूल गया है, ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी वहां प्रकट हुए हैं, हैं जब वहां पर प्रकट हुए कि तम दुष्ट वर्षम सुकुमार पादम, उनका उम्र क्या था, बोले दुष्ट, बोले 2-8 कितना हो गया, कहते 16 साल के उनका उम्र था, 16 साल के, बोले सुकुमार पाद, कहते उनका चरण कैसे था, बोला सुंदर चरण हैं, बड़े सुंदर चरण जिनकी है, इसलिए करारुबाहम सकपोल गात्रम, सुंदर उनका हाथ है, सुंदर उनका कपल है, सुंदर उनकी शरीर है, हैं इसलिए उनका बड़ी बड़ी कृष्ण का जैसे कमल लोचन जैसे बड़े सुंदर उनकी नासिका है, बड़े सुंदर त्रिबल बड़ी हुई कंठ में, बड़े सुंदर अद्भुत रूप श्री व्यास देव जी वहां पर प्रकट हुए, बोले श्री व्यास देव की,
इसलिए सुखदेव गोस्वामी की, जब सुखदेव गोस्वामी यहाँ प्रकट हुए वहां पर उपस्थित होते ही सबको उन्होंने प्रणाम करते हुए सबका सम्मान देते हुए, क्यों, सबसे वही छोटे और वहाँ सबके सब उनसे बड़े थे, उनके पिताजी के पिता, सबको सम्मान करते हुए वहां पर उन्होंने व्यास आसन पर उन्होंने शोभायमान हुए। जब शोभायमान हुए कहते हैं बोले जैसा संस्पर्णात पुंसा सद्य शुद्ध थी बही गृहा किम पुनः दर्शनम स्पर्श पाप सौजा सनादि। यहाँ पर वैष्णव दर्शन की महिमा कह रहे हैं, बोले जैसा संस्पर्णात पुंसा कि केवल जिनको स्मरण मात्र ही पुरुष क्या हो जाते हैं, सद्य शुद्धंती वही गृहा है, उसी समय में ही उनका गृह वो स्वयं पवित्र हो जाते हैं केवल वैष्णव को स्मरण मात्र से। इसलिए हम लोग सवेरे रोज रोज क्या करते हैं, सारे गुरु वर्गों को जयकार देते हैं ना, जय श्री श्री गुरु गौरांग निर्विका गिरधारी जी राधा विनोद विहारी जी की नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। जय नितलीला प्रविष्ट श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी। हम रोज रोज वैष्णव का जय देते ना, जयकार देते हैं, इसलिए कहते जयकार क्यों देते हैं, कहते केवल वैष्णव का स्मरण मात्र से ही है क्या हो जाता है, स्मरण मात्र से ही पुंसाम सद्य सुधन्ति, उसी समय में ही जीव पवित्र हो जाता है, गृह पवित्र हो जाता है, हैं किम पुनः दर्शनम स्पर्शम, अगर जिनकी स्मरण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं, अगर उनका कोई दर्शन करे, उनका स्पर्श करे, फिर उनका चरण को धोए, तो फिर क्या कल्याण नहीं होगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब व्यास गद्दी पर विराजमान हुए, इतने में श्री सुखदेव गोस्वामी ने, श्री परीक्षित महाराज ने एकदम प्रश्न की झड़ी लगा दी। वो क्या प्रश्न करते हैं, बोले अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनांग परमं गुरु पुरुषस्य जत कर्तव्य म्रियमाणस्य सर्वथा। इनका प्रश्न है बोले अतः पृच्छामि संसिद्धि, यदि आप कृपा करके हमें ये बताओ जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है, समसिद्धि मतलब जिसको पाने से जीव की और किसी प्राप्ति की कोई इच्छा ही नहीं रह जाता है। लेकिन ये जगत में देखो, जगत में किसी को भी, जितने बड़े से बड़े पैसा वालों को पूछ लो, अंबानी को बोल पूछो, संतुष्ट हो गया पैसा पा करके, वो सोचता होगा पृथ्वी का सबसे बड़ा धन्य मुझे होनी चाहिए, टाटा बिरला को पूछ तो है। इसलिए राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु की भारी, लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब दुख मिटाली। इसलिए जगत में ना कोई कोई जगत में किसको किसको भी तृप्ति नहीं, जगत में जितने पाओ, इसलिए कितना कमाई 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 मतलब क्या, कम आई और ज्यादा आनी चाहिए। इसलिए कहते जगत में ऐसे क्या वस्तु है जिसको पाने से क्या जीवन का सब इच्छा पूरी हो जाए। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, बोले जम लब्धात चापरम लाभम मन्यते अधिकम ततः। कहते ऐसे वस्तु क्या है जिसको पाने का बाद और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती है, कोई पाने की इच्छा नहीं रह जाती, वो केवल भगवान की प्रेम है, भगवान की भक्ति ही ऐसे एक वस्तु है जिसको पा करके जीव पूर्ण तृप्त हो जाते हैं। इसलिए ध्रुव जी को जो भगवान दर्शन दिया, वो गए थे राज्य लोभ से, लेकिन जब भगवत दर्शन हो गया, बोले मांगो, मैं ऐसे एक देवता हूँ जैसे दूसरे दूसरे देवता को अगर मोक्ष मांगो, जैसे खट्टांग महाराज ने मोक्ष मांगे, कोई देवता नहीं दे पाए, बोले थोड़ा परमाई बढ़ा तो कोई नहीं दे पाए, लेकिन भगवान ऐसे एक व्यक्ति है जगत में ऐसे कोई वस्तु नहीं जिस वस्तु को भगवान दे नहीं सकते, सब कुछ दे सकते हैं। भगवान बोले जी भर कर मांग ले, क्या चाहते हो, जो मांगो सो देने के लिए तैयारी। लेकिन वो क्या कहते हैं, बोले स्थानाभिलाषी तपसी स्थित हम त्वाम प्राप्तवान देव मुनि द्रगुज्यम
काचम विचिन्न अपिदीपरत्नम स्वामी निकृतार्थ अस्मि बरम न जाचे। बोले हे प्रभु, पहले मैं मूर्ख था, इसलिए मेरे राज्य लोभ से हैं, मेरे छोटा भाई मेरे राज्य को कैसे छीन लेगा, मैं बड़ा भाई, राज्य मुझे मिलनी चाहिए, इसलिए राज्य लोभ से आया था प्रभु जी। लेकिन त्वाम प्राप्तवान देव मुनिद्र गुज्यम, अब तो देवता मुनियों के लिए भी अब गोपनीय उनके लिए भी दुर्लभ है, इसलिए प्रभु मैं तृप्त हो गया हूँ। अगर कोई काच को ढूंढते ढूंढते अगर किसी पारस मणि मिल जाए, जगत में इसे कौन सा मूर्ख होगा जो काच छोड़ पारस मणि छोड़कर काच को ग्रहण करेगा। आपका चरण तो देव मुनियों के लिए भी दुर्लभ है प्रभु, कृतार्थ अस्मि, मैं प्रसन्न हो गया, मैं कृतकृत हो गया प्रभु, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। इसलिए कहते अतः पृच्छामि समसिद्धिम, इसलिए आप कृपा करके बताओ जगत में से कौन सा सिद्धि जिसको पाने से जीव संपूर्ण तृप्त हो जाते। जोगिनाम परमम गुरु, आप कौन हो? बोले जोगियों में जो सर्वश्रेष्ठ परम गुरु आप हो, हैं? इसलिए परम गुरु आप हो, इसलिए पुरुष से जत कर्तव्य म्रियमाणस सर्वथा, इसलिए हर पुरुष का क्या कर्तव्य है, और मृय मानस सर्वथा मतलब एक दिन जगत में सबको मरना ही है, जगत में इसे कोई नहीं बोल सकता है मैं जीवित रहूंगा, अभी तो कोई जीवित रहे, जो आए सो गए हैं, एक दिन सबको एक दिन मरना, सबको एक दिन पड़ेगा, इसलिए ऐसे जो मरण से पुरुष का क्या कर्तव्य आप कृपा करके बताओ। बोले जत स्वर्तव्यम अथ जप्यम जत कर्तव्य निर्भी प्रभु स्मर्तव्यम भजन यम्बा ब्रूहि जत बा विपर जय। उन्होंने सारे प्रश्न दो श्लोक में, उन्होंने जगत में ऐसा कोई चीज नहीं था जो प्रश्न उन्होंने दो प्रश्न में नहीं कर लिया, सब प्रश्न ये दो प्रश्न में उन्होंने कर दिया है, हैं? वो प्रश्न किया है जगत में हमको क्या सुननी चाहिए, हैं? श्रोतव्यादि राजन निराम संति सहस्र सब, लोगों को सुनने का कितनी सारी बात है, हैं? तेरे बेटा कैसे, तेरी बेटी कैसे, हैं? कैसे दुनिया चल रहा है, देखो एक दूसरे से पूछ मिल जाए क्या क्या बात होता है, ये सारा दुनिया 10-20 साल 100 साल की बात करने लग जाते हैं, यहाँ बात ही खत्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं, हैं? निराम संति सहस्र सा, बात तो सुनने के लिए बहुत ही है, बोलने के लिए बहुत ही है, लेकिन इनका प्रश्न है जत श्रोतव्यम मत बभु, जत जो श्रोतव्यम अथो जप्यम, इसलिए जगत में क्या सुननी चाहिए, जीवन में हमें सुनना तो सुनना क्या है, हैं? कहते तो बहुत सारी चीज को हम जप करते हैं, बेटा बेटी नाती पोती, हैं? अगर पोता पति पोता पतियों को अगर बात दादा दादी करते ना, उनको तोतली तोतली बोली से कैसे कैसे बोल रहा था, अब तो ना पागल होकर के आपस में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते जब तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वास्तव रूप में हमको जब क्या करनी चाहिए जिससे हमारी कल्याण हो। बलजत कर्तव्यम, इसलिए जगत में तो हम बहुत कुछ कर्तव्य मानते हैं, पिता माता की सेवा करना चाहिए कर्तव्य, भाई के प्रति, माँ का प्रति, बेटा का प्रति, बहन का प्रति, कतर कर्तव्य तो हमारे बहुत ही है, हाँ कितने सारे कर्तव्य है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं जीव का वास्तव कर्तव्य क्या है, कौन सा कर्तव्य करने से जीवन का सारे कर्तव्य पूरी हो जाते हैं, हाँ जगत में ऐसे हमें क्या करनी चाहिए, हमारी कर्तव्य क्या है। हम कहते ना हमारी ये कर्तव्य ये कर्तव्य ये कर्तव्य है, लेकिन ये जगत का कोई कर्तव्य हमारी है नहीं, क्यों? जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान की दास है, केवल हमें एक कर्तव्य पूरी नहीं करने का वजह से ये संसार चक्र में भटक रहे। अगर एक कर्तव्य हमारी पूरी हो जाए ना, सारी कर्तव्य हमारी पूरी हो जाएगी, हैं? इसलिए जगत में हमारे कर्तव्य क्या है, कहते स्मर्तव्यम, के जगत में हम तो बहुत सारी चीज को स्मरण करते हैं, लेकिन वास्तव रूप में हमको क्या स्मरण करनी चाहिए, भजन यम्बा, हमको क्या भजन करनी चाहिए। भजन तो हम जगत में बहुत व्यक्तियों को भजन करते हैं, उसको 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 सारा दुनिया की हम भजन करते हैं, हैं? सारा दुनिया को भजन करते हैं। भजन का वास्तव वस्तु विषय क्या है भजन करने का, प्रब्रूहि जत बा विपर्जय। देखो एक तरफ में तो बताया कर्तव्य किया,
और एक श्लोक में ये भी बता देते हैं जगत में हमें क्या नहीं सुननी चाहिए, क्या जप नहीं करनी चाहिए, क्या करनी नहीं चाहिए, क्या सुननी नहीं चाहिए, क्या भजन नहीं करनी चाहिए और क्या हमें स्मरण नहीं करनी चाहिए है। इसलिए सब कुछ कभी ये दो श्लोक इतने बढ़िया श्लोक, दो श्लोक में सारे उन्होंने सारे प्रश्न दो श्लोक में कर दिया। हाँ, ये श्लोक को सुन करके हैं, जब ये श्लोक को हमारे श्री परीक्षित महाराज ने हैं जब सुना, सुखदेव गोस्वामी जब ये प्रश्न को सुना इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, बोले बरियान एसते प्रश्नम कृत लोक हृत नृप आत्म बीत सन्मत पुंसांग श्रोतव्यादि सुजा पर। इतने प्रसन्न प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। प्रसन्न क्यों हो गए हैं, कि कारण क्या है, प्रश्न होने का कारण क्या है, बोले उन्होंने इसलिए प्रश्न हुए हैं कहते आत्म बीत सन्मत पुंसांग, कहते साधारण व्यक्ति तो बात ही छोड़ दो, ये तुमने जो प्रश्न किया है ना, जो आत्म बीत है, जो आत्मा में रमण करने वाले, जो आत्म तत्व को जानने वाले, कहते वे भी तुम्हारी प्रश्न को सलाह करेंगे, वो भी तुम्हारी प्रश्न को आदर करेंगे, इसलिए बरियान ऐसे प्रश्न, कहते जो प्रश्न है बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न, तुमने बड़े सुंदर श्रेष्ठ प्रश्न किया है। बरियान ऐसे प्रश्न कृत लोक हृत नृप, कल हे राजा तुमने जो प्रश्न किया है, कोई एक व्यक्ति को लक्ष्य करते हुए तुमने प्रश्न नहीं किया है, तुमने ये किया हर प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो है? इसलिए हर प्राणी मात्र का कल्याण, वास्तव कल्याण किसी में, तुमने ये सब प्रश्न किया है। इसलिए ये जो प्रश्न है हैं, जिसको श्रवण करने से जीव का कल्याण ही कल्याण, अगर उसको कोई उत्तर सुनेगा तो उसको कल्याण तो जरूर होगा है, इसलिए जरूर होगा जीव का कल्याण है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते देखो जैसे कहते तीन गंगा है, तीन गंगा कहाँ कहाँ पर है बोलो जोर से, पाताल में कौन सा गंगा, भोगवती गंगा, और ये मर्त्य जगत में भागीरथी, और स्वर्ग में मंदाकिनी। कहते जैसे ये तीन गंगा ये तीन लोगों को कल्याण करती हैं, इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये जो भगवत कथा है ये भी तीन लोगों को कल्याण करती है। बोले किसको किसको, बोले जो सुनते हैं, जो प्रश्न करते हैं और जो इसकी उत्तर देते हैं। कहते ये तीन लोगों को, ये जो कथा रूपी जो गंगा, कहते ये तीन लोगों को ये कल्याण करती है, ये भगवत गंगा है, तीन लोगों को कल्याण करती हैं। इसलिए श्रोतव्यादि निराजन नृणाम संति सहस्रस अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेशो गृह मेधिनाम। इसलिए हम पहले सुन रहे थे ना, बोले श्रोतव्यादि निराजन नृणाम संति सहस्रस, सुनने के लिए तो जगत में बहुत सारे बात है, लेकिन जीव का वास्तव रूप में ये आत्मा का कल्याण कैसे हो है, कल्याण कैसे हो, कहते जीव ये बात को नहीं सुनते हैं, ये बात को नहीं सुनते हैं। इसलिए प्रश्न क्या करनी चाहिए, मैं कौन हूं, इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते ना के आमी को था छिलाम की करी थे एथा एलाम की बा काज करे गेलाम जाबो को था शरीर पतने एक बार भाव भावर मन। भक्तिमान ठाकुर कहते हैं भैया एक बार सोच कर देखो, बोले क्या सोच करके देखो, बोले के आमी हैं, कभी ये चीज क्या सोचते हो, मैं कौन हूं, कोई सोचता है मैं कौन हूं, को था ए छिलाम, बोले मैंने था कहां पर, की करते एथा एलाम, हम करने के लिए किया करने के लिए यहाँ आए हैं, की बात का जो करे गेलाम, हमने क्या करके गए, और जाबो को था शरीर पतने, जब ये शरीर समाप्त तो हो जाएगा हम कहाँ जाएंगे। भक्तिमोहन ठाकुर कहते हैं कभी किसी व्यक्ति को अंदर में किया ये प्रश्न जगता है, भक्तिमोहन ठाकुर कहते हैं अगर जीव का मन में एक बार अगर ये प्रश्न जग जाए ना, भैया मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कर रहा हूँ क्या, और मरने का बाद कहाँ जाऊंगा,
अगर इसी विषय पर जीव चिंता करते बस जीव का कल्याण, लेकिन हम कभी इसी विषय सोचते नहीं, कभी नहीं सोचते, सारा दुनिया के बारे में सोचते हैं लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है। इसलिए इस विषय पर हमें सोचनी चाहिए। इसलिए यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, सुनने के लिए तो बहुत बात है लेकिन आत्मा की कल्याण कैसे हो। लेकिन जो गृह मेधी लोग है ना, गृह व्रत लोग है, हैं, जिसने सवेरे उठते ही नमक है कि नहीं, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, चीनी है कि नहीं, घर में नमक है कि नहीं, बस दिन भर देखना दिमाग में बस यही, बस आप उठना सवेरे उठते ही यही याद है, दाल है कि नहीं, घर में आलू है कि नहीं, सब्जी के लिए है कि नहीं, और सोने से पहले तक कल सवेरे क्या दाल नमक चीनी है कि नहीं, बस बस दिन भर इसी में ही, इसी की चिंतन में ही जीव की समय इसी में ही जीव की बीत जाती है, हैं, इसी में ही बीत जाती है। इसलिए यहाँ पर श्री हैं कहते हैं, कहते बोले निद्रया, तब उनको उन्होंने उसका उत्तर दिया है, बोले निद्रया आर्यते नक्तम पेवायना चबाभयम दिवाच अर्थ हय राजन कुटुंब भरण नवा। कहते जो जीव है केवल ये चार ही काम करते हुए, ये संपूर्ण अपना जीवन को चार ही काम करते हुए जीवन को नष्ट कर देते हैं। बोले चार ही काम क्या करते हैं, बोले दिन में दो काम करते हैं और रात में दो काम। बोले दिन में दो काम क्या करते हैं, बोले कैसे पैसा कमाए और ये पैसा कमा करके ये परिवार को कैसे मेंटेनेंस करे, ये दिन में। रात में निद्रया, रात में सोना है और विषय भोग करना, बच्चों को जन्म विषय भोग करना, बच्चे जन्म करना। कहते ये जो दुर्लभ जीवन पा करके लोग क्या करते हैं, केवल ये चार ही काम से और ज्यादा कोई काम करते ही नहीं, ये चार ही काम करते ही संपूर्ण जीवन की नष्ट हो जाता है, हैं? और तेसाम प्रमत निधनाम पश्यपि न पश्यति। कहते उनका मृत्यु देखते हुए भी नहीं देखता है। अभी कोरोना है ना, अब देखना मैं जिधर जिधर फोन करता हूँ, ये मर गया, वो मर गया, उनको ये मर गया, चार तरफ में यही केवल खबर, चार तरफ में मैं सब जगह प्रचार करने के लिए जाता हूँ, इसलिए मेरे पास सबका फोन नंबर आता है, हैं? कोई बोलता है महाराज हमारे परिवार का अमुक लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका बच्चे छोटे है, शादी नहीं हुए, पता नहीं उनका अवस्था बहुत खराब, आप थोड़ा ठाकुर जी को प्रार्थना कर लो, हैं? इसलिए महाराज ये चले गए, महाराज वो चले गए, हैं? लेकिन जगत में यहाँ कहते पश्यताम न पश्यति, कहते उनको मृत्यु देख करके भी हम नहीं देखते हैं, हैं? इसलिए श्री युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज ने प्रश्न किया था ना, जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, बोले अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति जमा मंदिरम। हम देख रहे हैं हमसे जो छोटे व्यक्ति था ना, उनका राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, देखते हैं हमारे सामने उनको लेकर चले गए, हमसे छोटे थे लेकिन हम क्या सोच रहे, वो गया गया थोड़ी हम जाएंगे, हाँ उसको प्रभु जी कहते ना, उसको उसको कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, हमें थोड़ी कोरोना होगा, वो मर गया मर गया, वो तो मर गया, हमारे हम थोड़ा मरेंगे, कोई सोचता है हम मरेंगे, बड़ा आश्चर्य की बात है। इसलिए अपना शीशा लेकर अपना चेहरा को देखो, भले जितने बड़े क्यों नहीं हो जाए, लेकिन क्या कोई सोचता है अभी बूढ़ा हो गए हम, कोई सोचता है हम बूढ़े हो गए, हमारा इतना उम्र हो गया, कोई नहीं सोचते है, 100 साल हो गया वो 200 साल का प्लानिंग बनाकर बैठा हुआ है जीवन में, ये करना, सो करना, वो करना, वो करना, है। इसलिए कहते जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य है हमारे अहनी अहनी है भूतानी गच्छन्ति जम मंदिरम, सब समय जीव जम पूरी जा रहे हैं लेकिन जो अंतिम में रह जाता है ना, कहते भैया मैं नहीं मरूंगा, भले ही वो मर गया है, मेरी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए कहते हैं तेसाम प्रमोद निधनाम पश्यन न पश्यति, उसकी मृत्यु देखते हुए भी देख करके भी जीव नहीं देखता है। अगर जीव ये चीज को पता चले जाए ना, देखो एक नीति शास्त्र में एक श्लोक आया है, कहते जिनको भजन करना है उनको क्या बुद्धि कैसे, उनकी उनकी विचार कैसे रखनी चाहिए, देखो बहुत अच्छी बात बताए, क्या श्लोक याद है,
कहते जिसको अर्थ कमाने हैं उसको क्या बुद्धि रखनी चाहिए और जो विषय जो जिसको भजन करनी है उनको क्या विचार रखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात वहां पर होता है। कहते जिसको पैसा कमानी है कहते अजर अमर व्रत पाग्यम, उसको उसको ये सोचनी चाहिए मैं कभी मरूंगा नहीं तो पैसा कमाएगा नहीं ना, वो कोई पैसा नहीं कमाएगा। जो पैसा कमाएगा हाँ क्या सोच कर अपना बेटे के लिए बेटा के लिए, नहीं तो अभी थोड़ी मैं मरने वाला हूँ, मरूंगा नहीं। इसलिए अजर अमर व्रत प्राज्ञम, इसलिए अजर अमर जब कोई समझे तभी कोई पैसा कमाएगा। लेकिन जिनको भक्ति करनी है उनको कैसे, बोले जो काल है ना मेरे चोटी को पकड़ करके रखा, किसी समय मेरे को घिसट करके जम पूरी ले सकती है, इसलिए काल मेरी चोटी पकड़ करके रखे है। इसलिए क्या करो भैया, जितने जल्दी जल्दी पारो क्या करो, ये जो अनमोल शरीर मिला है ना, और ये दो बार मिलेगा नहीं, दो बार नहीं मिलेगा, और किसी शरीर से प्रभु का भजन भी नहीं होगा, इसी शरीर में होगा। इसलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए विषय खलो सर्वत्र से आत, इसलिए ये सोच करके खाना पीना सोना तो हर जीवन में मिलेगा। कुत्ता बने तो कुत्ती मिली, कुत्ती बना तो कुत्ता मिलेगा, सुअर बने तो सुअर ही मिले, कौन सा जीवन में सब चीज मिला नहीं। हर जीवन में तो यही काम करते करते आए हो, कुत्ता कुत्ती सुअर सुअरी बच्चों को जन्म दे दे करके आए है। इसलिए हमारे श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बोलते थे बात को, बोले मेरे को केवल एक चीज से ना मेरे को वैराग्य हो गया है, केवल एक चीज से। त्रिविक्रम महाराज कहते थे मैंने जब सुना विषय खड़ू सर्वत्र से आ, मतलब जो विषय संसार जो भोग है, बताओ कौन सा जीवन में तुमने सो काम नहीं किया। हर जीवन में तो यही तो करते करते आए ना, यही जीव हर जीवन विषय भोग करते करते बेटा बेटी नाती पति गधा सुअर हर जीवन में किया। तो रिजर्व, ये तो हर जीवन के लिए तुमको रिजर्व है। फिर ये जीवन को कहते ये मानव शरीर को फिर उधर क्यों लगा रहे हो, फिर उस तरफ में है, क्योंकि ये जीवन अनमोल रे है, ये जीवन अनमोल जीवन है, और ये जीवन मिलेगा नहीं, इस जीवन में भजन होगा और किस जीवन में नहीं। इसलिए ये जीवन रहते रहते क्या करो, इधर उधर में अपना समय को मत दिया करो, नहीं देकर क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जोर से बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। इसलिए कहते जीवन पाकर भगवान की भजन में लग पड़ो। इसलिए कहते भजन कैसे करेंगे, बोले तस्मात भारत सद्मात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कृति तब्यस्य स्मर्तव्य इच्छता भयम। कहते अगर इस जीवन में कोई अभय को पाना चाहते हैं है? उसको क्या करनी चाहिए, बोले श्रोतव्य कृति तब्यस्य स्मर्तव्य, उनको भक्ति की तीन अंग जाजन करनी चाहिए है। तीन अंग क्या जाजन करनी चाहिए, श्रोतव्य भगवान की कथा सुननी चाहिए, कृति तब्यस्य भगवान की कथा भगवान का नाम कीर्तन करनी चाहिए, स्मर्तव्य भगवान को स्मरण करनी चाहिए। इसलिए उनको ये तीन काम करनी चाहिए। इसलिए पहले हम सुन लेते थे ना, उन्होंने बीच में ये कीर्तन क्यों रखा, श्रवण कीर्तन और स्मरण है। कहते बीच में कीर्तन को रखा, बोले इसलिए कीर्तन को रखा, बोले साधन मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरअपराध नाम ले ले पाए प्रेम धर। कहते जितने भक्ति अंगों में 64 अंग सर्वश्रेष्ठ, उसको सार रूप में 9 तरह का भक्ति, उसको सार रूप में 5 भक्ति, उसको सार रूप में 3 और उसको सार रूप में 1 भक्ति। बोले कौन सा भक्ति, कृति तब्यस्य कीर्तन, भगवान की कीर्तनाख्या जो भक्ति, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति कीर्तनाख्या भक्ति। कहते ये कीर्तनाख्या भक्ति करने से महाप्रभु क्या बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र, यह जप गया सब करिया निर्बंध, यह है ते सर्वसिद्धि है वे सवार
सर्वक्षण बोलो इते विधि नाही आत। बोली हरि नाम कीर्तन से ही जीव को सर्व सिद्धि मतलब कृष्ण प्रेम कृष्ण प्राप्ति ही हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही जीव को कृष्ण प्राप्ति कृष्ण दर्शन हरिनाम से होगा। इसलिए सर्वक्षण बोलो इते विधि नाही आत। महाप्रभु बोले उसमें कोई विचार नहीं है, सोए उठते बैठते सोते जगते क्या करो भगवान की नाम करते रहो। हाथों में सेवा और मुंह में नाम, हाथों में काम और मुंह में नाम, इसलिए क्या करो हर समय भगवान की नाम जप करते रहो। इसलिए कहते तस्मात सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर बताए हैं, यहाँ पर कहते भक्ति दो तरह का है। कहते एक राग भक्ति और एक वैधि भक्ति, एक राग भक्ति एक वैधि भक्ति। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं राग भक्ति जो करते हैं उनको किसको भक्ति करनी चाहिए और जो वैधि भक्ति जाचन करते हैं उनको किसको भक्ति करनी चाहिए। और भगवान की एक श्लोक में हैं जो परमात्मा जैसे ब्रह्म परमात्मा और भगवान हैं, ज्ञानी लोग एक ही भगवान को ब्रह्म रूप में दर्शन करते हैं, योगी लोग परमात्मा रूप में और भक्त लोग भगवान रूप में। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये तीनों के रूप में कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ और भक्त के लिए कौन सा रूप का आराधना करनी चाहिए, इसको हम कल सुनेंगे। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर इसी विषय पर क्या बोलते हैं, वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण या कीर्तन कीर्तन कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम।